हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ उड़ीसा की एक फेमस रेसिपी जो है चावल बड़ा की रेसिपी, और इसके साथ दो तरह की चटनी भी शेयर कर रही हूँ जो कि इस बड़े के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आशा करती हूँ ये रेसिपी आप सबको बहुत ही पसंद आएगा, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ दाल चावल को मेज़रमेंट कर लूँगी। तो मैं यहाँ ले रही हूँ उसना चावल 3 कप। हम इस रेसिपी में अरवा चावल नहीं लेंगे, इसमें उसना चावल की ही ज़रूरत है। अब लेंगे उड़द दाल 1 कप, चावल हमने ली है 3 कप और उड़द दाल लेंगे 1 कप। मैं यहाँ दाल को 4 से 5 बार अच्छी तरह से धो ली हूँ ताकि इसकी कोई डस्ट गंदगी हो वो निकल जाए। इसी तरह मैं चावल को भी 2 से 3 बार धो लूँगी। फिर मैं दोनों में पानी डालकर इसे ढककर 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाए। सात घंटे के बाद अब हम इसे चेक कर लेंगे। यह अब बहुत अच्छी तरह फूल गई है। अब मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी। मैं यहाँ ग्राइंडर जार में आधा आधा करके 2 बार चावल को पीस लूँगी। पेस्ट को ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है, जितना कम पानी हो सके उतना कम पानी डालकर इसकी मैं पेस्ट बना लूँगी। लीजिए, हमारा पेस्ट रेडी है। अब मैं बाकी चावल को भी इसी तरह पीस लूँगी। यहाँ पर मैं पूरे चावल का पेस्ट बना ली हूँ। अब मैं उड़द दाल का पेस्ट बना लूँगी। दाल में भी जितना कम हो सके पानी डालकर पेस्ट बना ली हूँ। अब मैं इस पेस्ट को अच्छी तरह फेंट लूँगी ताकि ये पेस्ट थोड़ी सी लाइट हो जाए। मुझे ये फेंटते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्लफी हो गई है। अभी मैं दाल चावल दोनों को मिक्स करके 1 से 2 मिनट फेंट लूँगी और इसे 2 से 3 घंटे के लिए ढककर रख दूँगी। अभी चलिए दो तरह की चटनी बना लेंगे, एक है टमाटर की चटनी और दूसरी इमली की चटनी, जो कि इस बड़े के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो पहले हम टमाटर की चटनी बना लेंगे। एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे थोड़ी सी हरा धनिया, 4 से 5 कली लहसुन, थोड़ी सी अदरक और 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। डालकर हम इसे पीस लेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ये सूखा ही पीसेंगे। चटनी अभी रेडी है, मैं अब इसे एक बोल में निकाल लूँगी। इसे अब साइड पर रख लूँगी और दूसरी चटनी बना लूँगी। इमली चटनी के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ नींबू आकार के इमली और 3 से 4 हरी मिर्च और 5 से 6 लहसुन। हरी मिर्च और लहसुन को मैं दरदरा कूट ली हूँ और हरा धनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। मैं यहाँ इमली को आधे घंटे के लिए भिगो कर रखी हुई थी। अब मैं इसकी पल्प निकाल लूँगी। इमली को अच्छी तरह मसल कर मैं इसकी पल्प निकाल ली हूँ और बाकी जो इसकी स्किन है इसको मैं हटा लूँगी। यहाँ पर मैं और थोड़ा पानी मिलाऊंगी।
और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर और लहसुन हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट और कटी हुई हरा धनिया। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। हमारा ये चटनी रेडी है। इसे अब हम साइड पे रख लेंगे। 2 घंटे के बाद चेक कर लेंगे बैटर को। देखिए बैटर बहुत अच्छी तरह फूल गई है। अब मैं इसमें से मुझे जितनी ज़रूरत है उतनी निकाल लूँगी और बाकी को फ्रिज में रख दूँगी ताकि जब दोबारा बड़े खाने की ज़रूरत पड़ेगी तभी यूज़ करूँगी। अब मैं इस बैटर में डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक और अदरक हरी मिर्च को दरदरा कूटकर डाल दूँगी 1 चम्मच और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब हमारा बैटर रेडी है। इसे अब तेल में तल लेंगे। हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेंगे, फिर बैटर में से थोड़ा बैटर लेके ऑयल में डालेंगे। गैस को मध्यम आंच पर ही रखेंगे। देखिए बड़ा बहुत अच्छी बनी है। तेल में डालते ही फूल फूल कर ऊपर आ रही है। अब बड़े को हम उलट पुलट कर अच्छी तरह से थोड़ी सी लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। जब थोड़ी सी लाल हो जाए फिर हम ऑयल में से निकाल लेंगे। देखिए हमारा बड़ा रेडी है। इसी तरह हम सारे बड़े को तल लेंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।